अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हें अभी तक प्रपोज नहीं किया है तो समझ जाओ तुम्हें खुद पर बहुत काम करना है। सोचो कि तुम कैसे दोस्त होगे जिसके फ्रेंड को अभी तक उससे प्यार नहीं हुआ। प्यार होता है दोस्तों से, अच्छे फ्रेंड ही अच्छे लवर बनते हैं। जैसे हर लड़की को अपनी अच्छी प्यारी सी दोस्त से प्यार हो जाता है, वैसे ही हर लड़की को अपने समझदार और ज़िम्मेदार दोस्त से प्यार हो जाता है। खैर, ज़्यादातर मामलों में होता क्या है, हमारे आस पड़ोस की सबसे प्यारी लड़की बाहर किसी लड़की से सेट हो जाती है। तो एक बात सोचो, तुम्हारे पड़ोस की लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती तो बाहर वाले तुम्हें क्या पसंद करेंगे। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि अपने आस पड़ोस के रहने वाली लड़की को कैसे पटाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सिलसिला प्यार का चैनल को सब्सक्राइब करो और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आस पड़ोस की लड़की तुम्हें पसंद तो करती है, पर कुछ बातों की वजह से वो चाहकर भी तुमसे रिश्ता नहीं रख पाती। जनरली लड़के कुछ गलती करते हैं जो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो आस पड़ोस की लड़की की जासूसी करते हैं और लड़की की फैमिली के टच में रहते हैं, और लड़की कोई गलती करे तो उसे बड़ा चढ़ाकर उसके फैमिली के सामने पेश करते हैं। लड़कियाँ जहाँ रहती है वो आसपास के माहौल से बहुत सेंसिटिव होती है, क्योंकि वो जानती है यही माहौल में उसे रहना है, तो वो खुद अपना इमेज बहुत साफ सुथरा रखती है। दूसरे उसके बारे में क्या बोलते हैं इससे उसे फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसके आसपास के लोग, उसके दोस्त क्या बोलते हैं इससे उसे फ़र्क पड़ता है। इसीलिए वो ध्यान रखती है कि उसका इमेज खराब ना हो। तुमने जनरली देखा होगा, बचपन में खेल खेल में प्यार हो जाता है, पर जब वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वो प्यार भी ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा जिससे अपनी पड़ोसन या फ्रेंड को आसानी से पटा सकते हो। सबसे पहली चीज़ है, अपने गली मोहल्ले से थोड़ी दूरी बनाए रखो। औरतों के बातचीत में शामिल नहीं होना है, किसी की बुराई की बात नहीं करना है, ना उसमें शामिल होना है। गली में बातें कम कर लेनी है। अगर गली में तुम्हारा कोई दोस्त है तो उससे बाहर ही बात करो, गली में तुम्हें नहीं दिखना है। लड़कियों को बाहर के लड़के इसीलिए पसंद होते हैं कि वो लड़का लड़की को आसपास के माहौल से दूर लेकर जाता है। लड़कियां अपने आसपास के माहौल से बहुत परेशान होती है। वो सुकून की एक सांस के लिए अपने आसपास के माहौल से दूर जाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार होती है। देखो, लड़की बाहर के लड़कों को जल्दी पसंद नहीं करती, वो भरोसा नहीं कर पाती। उसे बाहर के लड़कों को पसंद करने के लिए 3 से 6 महीना लगता है, पर वो तुम्हें जानती है, तुम पर भरोसा करती है। अगर तुम लड़की को बिना किसी प्रॉब्लम के बाहर घुमाने ले जा सकते हो, अगर लड़की के माँ बाप को भरोसा हो कि लड़की तुम्हारे साथ है तो चिंता की कोई बात नहीं। रात के 12 बजे तुम जिम्मेदारी लेकर लड़की को घर छोड़ सकते हो। उसे अगर ये यकीन हो जाए कि तुम्हारे साथ रहेगी तो वो बदनाम नहीं होगी, तुम दूसरे लड़के जैसे नहीं हो, तो लड़की तुम्हारी ओर आकर्षित होगी और वो खुद तुम्हें पटाएगी। अब गली में ऐसी अच्छी इमेज कैसे बनानी है वो देखते हैं। देखो, आस पड़ोस के लोगों में अच्छी इमेज बनानी है तो तुम में इन तीनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए। दूसरे, तुम्हें पढ़ाई में अच्छा होना होगा। माँ बाप बिना किसी टेंशन के रात रात भर लड़की को ट्यूशन टीचर के पास छोड़ आते हैं कि लड़की कुछ पढ़ लिख जाए, कुछ सीख जाए। तीसरी चीज़ है, तुम्हारा नेचर हेल्पफुल होना चाहिए, तुम सबकी मदद करते हो। पड़ोस की लड़की को पटाना है तो इंडोर गेम खेलना है। कोई लड़की तुम्हें बस स्टॉप, ट्रेन या ऐसी किसी जगह मिलती है तो उसे डायरेक्ट प्रपोज करो। वो हाँ कहे या ना कहे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शायद ही तुम्हें वो लड़की दोबारा मिलेगी। यहाँ आउटडोर पॉलिसी खेलना है। पर जो लड़की तुम्हें रोज़ मिलती है उससे इंडोर गेम खेलना है, यहाँ प्रपोज नहीं करना है। तुम्हें पूरा भी यकीन हो जाए कि वो तुमसे प्यार करती है तो भी लड़की को प्रपोज नहीं करना है। लड़की को कम नज़र आओ तो लड़की तुमसे पूछेगी, क्या हुआ, आजकल नहीं दिखते, क्या करते हो? तो उसे फटाफट सब कुछ नहीं बताना है, उसकी बातों को टालते हुए कोई दूसरा मज़ेदार टॉपिक शुरू करना है जिससे वो खुश हो जाए और उसके बारे में जानना चाहे। फिर उससे कोई दुख की बात करनी है, फिर कोई खुशी की बात करो, उसे भावनाओं के खेल में फंसाना है। 2-3 दिन में वो तुमसे घुल मिल जाएगी और खुद की पर्सनल बातें भी शेयर करने लगेगी। जब वो तुमसे अपनी बातें शेयर करने लगे तो उसे बाहर घूमने जाने का ऑफर करो। अगर वो हाँ करे तो कोई बात नहीं, पर अगर वो ना करे तो उससे कहो, यह बातें करना ठीक नहीं है, गली के लोग उल्टा सीधा सोचेंगे, चलो बाहर चलते हैं। लड़की जिसके साथ होती है उसे उसके साथ प्यार हो जाता है, उसे तुमसे प्यार हो जाएगा अगर तुम उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय रह सको। गलती से भी उसे प्रपोज नहीं करना है, उसका हाथ पकड़ना शुरू करो, उसको टच करो। अगर वो एतराज़ ना करे तो उसे किस कर सकते हो।
देखो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हें कब किस करना है, यह तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अगर तुम्हें पूरा श्योर होना है कि लड़की किस करना चाहती है या नहीं, तो मेरा वो वाला वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने बताया है कि कैसे जाने कि लड़की किस करना चाहती है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। लड़की पटाने के साइकोलॉजिकल लेक्चर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और प्राइवेट वीडियो देखो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।